नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरी गेंद पर हराकर आईपीएल 2021 की पॉइंट टेबल में तूफान मचा दिया है और इस तूफान में आरसीबी, मुंबई इंडियंस जैसी कई टीमें उड़ गई हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार चेन्नई के तूफान में कौन कौन सी टीमें उड़ी है और साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने कौन सा कमाल किया है आईपीएल 2021 की पॉइंट टेबल में। इसके बारे में हम आपको तमाम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के पूरा आखिर तक और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स की इस धमाकेदार जीत से खुश है तो, और साथ ही आप भी चाहते कि आपकी फेवरेट टीम पहुंचे आईपीएल 2021 के प्लेऑफ में। तो दोस्तों, हम जानेंगे आज के मुकाबले की पूरी पॉइंट टेबल, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की तरफ से शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ओपनिंग के लिए उतरे। वैसे तो दोनों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं, लेकिन आज के मुकाबले में शुभमन गिल रन आउट होकर पेवलियन लौट गए। उनको अंबाती रायडू ने आउट किया और पहला झटका सिर्फ 10 रनों पर दिया कोलकाता नाइट राइडर्स को। इसके बाद 40 रनों की पार्टनरशिप हुई वेंकटेश अय्यर और राहुल त्रिपाठी के बीच, लेकिन वेंकटेश अय्यर भी 18 रन बनाकर सरदोल ठाकुर का शिकार बने। तो वहीं पर राहुल त्रिपाठी ने अच्छी पारी खेली, लेकिन इयान मॉर्गन जल्दी आउट हो गए। वह 14 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बना पाए और जॉस हेजलवुड का शिकार बने। तो वहीं पर राहुल त्रिपाठी ने टीम की तरफ से सबसे ज्यादा 45 रन बनाए। तो वहीं पर नीतीश राणा ने 27 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेली, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की इस पूरी पारी में जान डाली दिनेश कार्तिक ने, जिन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 11 गेंदों पर 26 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके और 1 छक्का देखने को मिला। दिनेश कार्तिक की इस आखिर में खेली हुई तूफानी पारी की बदौलत यहाँ पर निर्धारित 20 ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 171 रनों का स्कोर खड़ा किया और चेन्नई सुपर किंग्स को 172 रनों का टारगेट दिया। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जॉस हेजलवुड ने 4 ओवर में 40 रन देकर 2 सफलताएं प्राप्त की। तो वहीं पर सरदोल ठाकुर ने 4 ओवर में 20 रन देकर 2 सफलताएं प्राप्त की। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 21 रन देकर 1 सफलता प्राप्त की। वहीं पर अब चेन्नई सुपर किंग्स और प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए बीच में था सिर्फ 172 रनों का लक्ष्य। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से फेफ डू प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ ने काफी शानदार सुराग दी। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 74 रनों की शानदार साझेदारी हुई, जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने 28 गेंदों पर 40 रन बनाए तो वहीं पर फेफ डू प्लेसिस ने 30 गेंदों पर 43 रन बनाए। इसके अलावा मोइन अली ने 28 गेंदों पर शानदार 32 रनों की पारी खेली। हालांकि टीम की तरफ से अंबाती रायडू, सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी कुछ खास नहीं कर पाए। वहीं पर मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच गया था, जहां पर टीम को एक ओवर में 4 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले सबसे बड़ा रोमांच आया 19वें ओवर में, जब टीम को 2 ओवर में 26 रनों की जरूरत थी, यानी कि 12 गेंदों पर 26 रन चाहिए थे और क्रीज पर मौजूद थे रविंद्र जडेजा और सैम करन। केकेआर की तरफ से 19वां ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी आखिरी 2 ओवरों में 26 रन बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की। लेकिन सामने रविंद्र जडेजा और सैम करन थे। शुरुआती 2 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए, लेकिन इसके बाद रविंद्र जडेजा का तूफान देखने को मिला, जहां पर रविंद्र जडेजा ने तीसरी गेंद पर 6 तो चौथी गेंद पर एक शानदार व बड़ा छक्का लगाया। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाने के बाद आखिरी 2 गेंदों पर भी 2 चौके लगा दिए। इस तरह से एक ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने प्रसिद्ध कृष्णा के 22 रन बना दिए। अब आखिरी ओवर में एक बार फिर रोमांच पहुंचा, जब 4 रनों की जरूरत थी, लेकिन यहां पर रविंद्र जडेजा सैम करन के रूप में 2 बड़ी सफलताएं सुनील नारायण ने प्राप्त की और लक्ष्य पहुंच गया आखिरी 1 गेंद पर 1 रन। लेकिन दीपक चहर ने इस गेंद पर 1 रन बनाकर चेन्नई सुपर किंग्स को रोमांचक जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने पॉइंट टेबल को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। तो चले दोस्तों, जानते कि आखिरकार पॉइंट टेबल में इस समय कौन सी टीम किस नंबर पर है। तो दोस्तों, फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर नंबर 8 पर सनराइज हैदराबाद की टीम है, जिन्होंने 8 मुकाबलों में से सिर्फ 1 मुकाबला जीता है और 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इनकी नेट रेटेड फिलहाल -0.689 है। यह टीम आईपीएल 2021 से बाहर होने वाली पहली टीम है, यानी कि सनराइज हैदराबाद आईपीएल 2021 से बाहर हो चुकी है। तो वहीं पर दोस्तों, नंबर 7 टीम की बात करें तो यहाँ पर मौजूद है राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 9 मुकाबले खेले, जिसमें से सिर्फ 4 मुकाबले जीते हैं और इनके 8 अंक है। बचे हुए 5 मुकाबलों में से यह टीम अगर 4 मुकाबले जीत जाती है तो इनका भी प्ले ऑफ में पहुंचना तय है। वहीं पर नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर डिपेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है, जिन्होंने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है।
इस टीम की नेट रन रेट -0.310 है। अगर ये प्ले ऑफ में पहुंचना चाहते हैं तो इन्हें बचे हुए अपने 5 में से 4 मुकाबले जीतने हैं। तो वहीं पर दोस्तों नंबर 5 टीम की बात करें तो यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है, जिन्होंने 10 मुकाबले खेल लिए हैं और इस टीम ने 4 मुकाबले जीते हैं। नेट रन रेट इनकी थोड़ी बेहतर है -0.271। इस टीम के पास फिलहाल 8 अंक है, बचे हुए 4 मुकाबलों में से 4 ही मुकाबले जीती है तो ये टीम प्ले ऑफ में पहुँच जाएगी। वहीं पर नंबर 4 टीम कोलकाता नाइट राइडर्स है, जिन्होंने अब 10 मुकाबले खेल लिए और इनके भी 8 अंक है। नेट रन रेट इनकी काफ़ी शानदार है +0.322, बचे हुए 4 मुकाबले जीत जाती है टीम तो भी प्ले ऑफ में पहुंच जाएगी। और अब बात करते हैं नंबर 3 टीम की, तो यहां पर मौजूद है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जिन्होंने 9 मुकाबले खेले हैं जिसमें से अब तक इस टीम ने 5 मुकाबले जीते हैं। बचे हुए अपने 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीते ही रॉयल चैलेंजर बेंगलोर प्ले ऑफ में पहुंच जाएगी। और देखकर लग रहा है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर इस बार तीसरी टीम बन सकती है प्ले ऑफ में पहुंचने वाली। वहीं पर नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल है, जो कि प्ले ऑफ में पहुँच चुकी है। अब तक 10 में से इस टीम ने 8 मुकाबले जीते और 16 अंक है। नेट रन रेट इनकी +0.711 है। तो वहीं पर नंबर 1 टीम की बात करें तो यहाँ पर मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2021 के प्ले ऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम है। सीएसके ने भी 10 मुकाबलों में से 8 मुकाबले जीते और इस टीम के 16 अंक है। नेट रन रेट इनकी काफी बेहतर है +1.069, जिसके साथ ये अब प्ले ऑफ में पहुंच चुकी है। तो दोस्तों फिलहाल 2 टीमें तो प्ले ऑफ में पहुंच चुकी है, 2 और कौन सी होगी आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।